Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to start another important subsection of advanced math, that is combination. Ab combination ka jo subsection hai, ye bhi agar hum dekhein as far as our interest is concerned, iski importance kafi hai. Uski wajah ye hai ki iske jitne bhi questions hain, unki composition bhi ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू से काफ़ी मिलती है. ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनर है जब भी वो पेपर सेट करेगा तो उसकी हमेशा कोशिश होगी कि कम्बिनेशन के क्वेश्चन से आपको जो है कुछ ना कुछ स्टफ़ दिया जाए. ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन और हम बात करें जो तीसरा सबसेक्शन है हमारे पास परम्यूटेशन का, तो इन ये तीनों ऐसे पोर्शन है कि जहाँ से हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पोर्शन से पूछे जाते हैं. उसकी एक रीज़न तो ये भी है कि ये चीज़ें डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, हम इसको डेली लाइफ में इतना डिस्कस नहीं करते, तो स्टेटमेंट में हल्की सी अगर चेंजिंग कर दे तो वो स्टूडेंट को काफ़ी वो जो है ना वो ट्रबल होगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग बन जाएगा. ठीक है, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. और आपने ख़ास तौर पर एक चीज़ जो जहन में रख के इसको देखना है कि कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने की पोजीशन में आप हों. अगर आप ख़ास तौर पे परम्यूटेशन और कम्बिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये जो है ना ये परेशानी की बात है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नहीं पता चलता ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमने परम्यूटेशन में भी डिस्कस किया था इसको कि आपने कैसे देखना है. आज फर्दर इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन. सो कम्बिनेशन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे सबसेक्शन का. ठीक है, उसमें बेसिक डेफिनेशन पे हम कुछ वक्त लगाएंगे, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर में हम इसके जो मेजर रिमार्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका फॉर्मूला है उसको देखेंगे. किन टूल्स की बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम पॉइंट्स टू पॉन्डर में देखेंगे. ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम गो थ्रू करेंगे. सो व्हाट इज़ कम्बिनेशन? Different groups or selections which can be made out of a given number of objects taken one or more at a time. आपने अगर किसी ग्रुप में सिलेक्शन करनी है, ठीक है, और वो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें आप कंसिडर करेंगे. ठीक है, विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर, और उसमें से कुछ चीज़ें आप डिस्कार्ड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन. ठीक है, वन और मोर एट अ टाइम. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास है और उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं, एक ग्रुप हमने ए बनाना है और एक ग्रुप हमने बी बनाना है. अब इन दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टी, इनका हॉलमार्क क्या हो, वो हम डिसाइड करते हैं, वो हम डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. अगर हम डिसाइड करें कि ग्रुप ए में जो स्टूडेंट हैं उनकी ये कंडीशन हो और जो ग्रुप बी में स्टूडेंट हैं उनकी ये कंडीशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 80 से ग्रेटर देन हो, वो सब ए में आ जाएँ, और जो जिनके 100 से ग्रेटर देना वो सब क्या आ जाएँ, बी में आ जाएँ. तो ऐसी जब सिलेक्शन करते हैं कि डिफरेंट पर्सनस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी सिलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज कम्बिनेशन. और हमने पहले भी बात की थी कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, कि अगर आपके पास ए बी और बी ए, ये दो डिफरेंट सिलेक्शन हैं. अब ये दो डिफरेंट आपके पास परम्यूटेशन हैं, हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया. सो ए बी एंड बी आर टू डिफरेंट परम्यूटेशंस. लेकिन अगर हम बात करें कम्बिनेशन की, तो ए बी और बी ए क्या है, वो सेम कम्बिनेशन है. हम कम्बिनेशन में क्या चीज़ देखते हैं, हम कम्बिनेशन में उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि क्या ये दोनों सेट डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है या सेम है. अगर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो हम क्या नाम देंगे कि ये दोनों सेम कम्बिनेशन है. अब यहाँ पर देखें, एक सेट ए था एक बी था, और यहाँ पर भी ए और बी ही है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, उनका हमने ऑर्डर चेंज किया है. लेकिन हमने कम्बिनेशन में किस चीज़ को देखना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है. तो ए